पिछली बार हम 2 जीते थे, कैराना हार गए थे, लेकिन इस बार कैराना सहित 3 विधानसभा सीटों में कमल का फूल खिलेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लहर 2014-17-19 में थी, वह लहर 2022 में भी है। इसलिए हम प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें एक बार फिर से जीतेंगे और भाजपा की ही सरकार 10 मार्च के बाद शपथ लेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य जो छोटे मोटे दल हैं, जो अलग अलग गठबंधनों का हिस्सा हैं, वह सारे विरोधी मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े हैं, हारे हैं, भाजपा जीती है, कमल का फूल जीता है। इसलिए सारे विरोधी अंदर से एक हैं भी, आज भी एक रहें तो भी कमल ही खिलेगा, भाजपा की ही सरकार बनेगी। और हमारा मुद्दा लोगों की सुरक्षा है, शामली जनपद सहित प्रदेश का विकास है, गुंडागर्दी से प्रदेश की मुक्ति का लक्ष्य है, जिसे हमने बहुत कुछ पूरा कर लिया है, जो शेष है उसे भी पूरा करके दिखाएंगे। गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसानों, अन्नदाताओं का मान सम्मान और उनकी आमदनी किस किस प्रकार से बढ़ सकती है, वह सारे कदम हमने उठाए हैं। 8 तारीख को हमारा संकल्प पत्र फिर आ रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातों का जो हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश देश में बनाने के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, घोषणाएं लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। सर, कैराना में आज तक शिमला का माहौल बड़ा उछल रहा है, सर क्या मामला है? आप अच्छी प्रकार से जानते हो, जब कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको शिमला समझो, चाहे उसकी गर्मी उतार करके उसको सर्दी पैदा करना समझो, वह कहने का मतलब केवल इतना है कि कोई गुंडाई न करे, एक नागरिक के जीवन को समान रूप से जो सब जीते हैं वो जिए। किसी को कोई धमकी देगा, कोई का अपहरण करेगा, किसी की हत्या करेगा, कोई दंगा करवाएगा, वो बक्सा नहीं जाएगा। 2013 के जख्म खुलते जा रहे हैं, सचिन गौरव को बार बार याद किया जाता है, क्यों नहीं याद करना चाहिए? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं याद करना चाहिए? अगर 5 नहीं, जो बातें हुई हैं उसको याद नहीं करना चाहिए? जो दंगा हुआ है उस दंगे को भूल जाना चाहिए? राकेश टिकैत जी हमारे सलाहकार नहीं है। अगर कुछ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उस अन्याय और अत्याचार की याद दिलाना हमारा दायित्व है, हम वो काम करेंगे। कोई अगर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे देश के दुश्मन को लेकर के बीच में आएगा तो उसका जवाब हमें देना चाहिए, वो हम जवाब देंगे। कितनी बार परिवार में गया है बीजेपी, गौरव और सचिन के परिवार में कितनी बार मिलने गए हैं? वो जिनको जाना है हमारे लोग जाते हैं और पूरी मदद करते हैं। जय चौधरी ने कहा है कि जो है गांव गांव खिलेड़ा हो रहा है बीजेपी वालों का। आप 10 मार्च को जब समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके जनता समाप्तवादी पार्टी कर देगी, तब उनको सबको समझ में आएगा। धन्यवाद।